दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ड्रीम एलेवन न्यू अपडेट क्या है। जैसे आप लोग ड्रीम एलेवन को ओपन करोगे तो ऊपर में ही आप लोग को न्यू अपडेट दिखेगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को अपडेट का सारा डिटेल लिखा हुआ आएगा, डिटेल लिखा हुआ है। अगर आप लोग को मैं आप लोग को बताऊँगा कि क्या है एंड यहाँ पर टीम क्रिएशन जो कि अपडेट है, यहाँ पर फर्स्ट अपडेट पी के मिनिमम ए प्लेयर अश्रोच ऑल प्लेयर्स टाइप्स। तो पहले यहाँ पे जो बॉलर्स था हम लोग मिनिमम 3 बॉलर्स को लेना ही होता था। अब यहाँ पे आप लोग एक से लेकर बॉलर एक बॉलर भी आप लोग ले सकते हो मिनिमम। तो यहाँ पे फर्स्ट चेंजेस ये था और यहाँ पे सेकेंड जो चेंजेस है नीचे मैक्स प्लेयर्स, यहाँ पे पी के मिनिमम ऑफ 10 प्लेयर फॉर्म ए लेटर। यानी कि पहले हमारे जो टीम टोटल रहता था 7 प्लेयर का होता था, अब यहाँ पे आप लोग 10 प्लेयर का भी टीम बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पूरा अपडेट जो है आप लोगों को यहाँ पे पहले 7 प्लेयर्स बनाना पड़ता था, अब यहाँ पे 10 प्लेयर्स को आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पे नीचे जो है ये अपडेट लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये जो अपडेट फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, 22 जनवरी से लेकर फरवरी तक ये जो ऑफर है ये, यानी कि ये जो अपडेट है ख़त्म हो जाएगा, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टीम बना के देखते हैं कि ये जो टीम बनता है कि नहीं, जैसे कि 10 प्लेयर्स होता है कि नहीं मिनिमम एक प्लेयर। तो सबसे पहले मैं विकेट ले लेता हूँ 1-2, उसके बाद बैटर ले लेता हूँ, बैटमैन है 1 ले लेता हूँ। पहले तो मिनिमम हमको 3 लेना पड़ता था, अब यहाँ पर 1 भी ले सकता हूँ। यहाँ पे एक एक करके मैं सारा ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बॉलर्स तो मैं यहाँ पे पूरा 7 ही ले लिया। देखो गाइस अब ये यही न्यू अपडेट है, आप लोग प्लेयर को मिनिमम 1 ले सकते हो एंड ज़्यादा भी ले सकते हो। तो पहले तो 3 था, अब यहाँ पे 1 ही ले सकते हो मिनिमम। तो ये अपडेट लाइफ टाइम के लिए नहीं है। आप लोग को ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। तो अपना फीडबैक देना कैसा लगा ये न्यू अपडेट।